फिलहाल भारत को लेकर वो रिपोर्ट्स जारी हो रही है जो अगर इस वक्त भारत के निकम्मे पड़ोसी देश देख रहे होंगे तो जरूर अपना माथा पटक देंगे, खासकर तो पाकिस्तान, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की भारत को लेकर ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान को ही ज्यादा चिढ़ा रही है। वैसे भी पाकिस्तान को काफी घमंड था कि जंग के दौरान वो भारत पे परमाणु बम दागकर भारत को हरा देगा, लेकिन अभी सिपरी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसे देखने के बाद पाकिस्तान शायद ही एटमी बम की धमकी दे। वैसे दोस्तों बात हो रही है भारत के परमाणु जखीरे की, जिस पर दुनिया भर के हथियारों पर नजर रखने वाले थिंक टैंक यानी सिपरी ने बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। तो सिपरी के मुताबिक कि इस्लामाबाद अब भारत को एटमी बम की धमकियां देना बंद करे, क्योंकि भारत ने बीते साल अपने परमाणु जखीरे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी का ये कहना है कि भारत ने साल 2023 में अपने परमाणु बमों के भंडार को तेजी से बढ़ाया है। आंकड़ों की ही बात करें तो भारत ने बीते एक साल में 8 नए परमाणु बम बनाकर तैयार कर दिए हैं, जिन्हें किसी भी युद्धक परिस्थिति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिलहाल भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 और चीन के पास 500 के आसपास बम होने की संभावना है। हालांकि परमाणु रेस में हम चीन से आज भी कोसों दूर है, लेकिन चीन ने अभी तक तो भारत को परमाणु हमले की धमकी नहीं दी, लेकिन जो महीने में 10 बार एटमी बम की धमकी दे रहा था उसकी बोलती मात्र बंद हो चुकी है। सिपरी का ये भी कहना है कि उसके ये आंकड़े शायद गलत भी हो सकते, क्योंकि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है ये उस देश की सरकारों को ही पता होगा, क्योंकि कोई भी देश अपने वेपन्स की सटीक जानकारी हमें मुहैया नहीं करता। अंत में सिपरी ने ये कहा कि भारत जिस तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है वो अगर ऐसे ही जारी रहे तो आने वाले दिनों में भारत 300 तक परमाणु बम बड़े आसानी से बना लेगा। पाकिस्तान इस रेस में पीछे रहने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त फंड नहीं, साथ ही पाकिस्तान के ऊपर चोरी छुपे यूरेनियम बेचने के भी आरोप है। इस पर सलाहकारों का ये कहना है कि किस देश के पास कितने परमाणु बम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि वे कितने विनाशकारी है। वैसे भी दोस्तों भविष्य में कोई परमाणु जंग होगी या नहीं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अगर जंग होती ही है तो चीन पाक को हराने के लिए हमारे पास कितने परमाणु बम होने चाहिए कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।